नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली में जमकर उत्पाद मचाया था। इसको देखते हुए आज यानी बुधवार को भी दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को बंद रखा है, जिससे दिल्ली नोएडा DND टोल प्लाजा और कालिंदी कुंज पर वाहनों की भीड़ एकाएक बढ़ गई। इस वजह से कई इलाकों में जाम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की है, जहां लंबा जाम लगा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है काफी दूर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिख रही है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही। ऐसा ही हाल नोएडा दिल्ली बॉर्डर को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर का रहा, जहां पर हैवी ट्रैफिक जाम है। कालिंदी कुंज से नोएडा और नोएडा से कालिंदी कुंज तक ट्रैफिक के लिए दो लेन बंद है, जिससे भारी जाम लगा हुआ है। वहीं ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस का कहना है कि नोएडा आने जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके बंद होने के कारण अब DND और कालिंदी कुंज से नोएडा जा सकते हैं। गाजियाबाद और दिल्ली बवाल को देखते हुए NH9 पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली जाने के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला हुआ है। हापुड़ और दादरी से आने वाली ट्रैफिक को लालकुआ के रास्ते GT रोड की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं मिंटो रोड से कनाट प्लेस जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। आनंद विहार और सरायकाले खां ISBT वाला रास्ता खुला है, यहां से बस सर्विसेज चालू है। बता दें कि किसानों के उत्पाद के बाद दिल्ली में कई मार्ग और मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े थे। हालांकि शाम तक पुलिस ने हालात को काबू कर लिया था, जिसके बाद कई रास्तों को खोल दिया गया। हालांकि कुछ रास्ते आज भी बंद रखे गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।